इसरो से अब हमें बहुत ही अच्छी खबर सुनने को मिली है। नई टेक्निक से लैंडर विक्रम बहुत ही जल्दी काम करने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ऑर्बिटर ने इसरो को दो इमेज भेजी है जिससे पता चलता है कि विक्रम लैंडर चांद की सतह पर बिल्कुल सलामत है, पर वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा हुआ है। अगर किसी भी तरह लैंडर को सीधा खड़ा कर दिया जाए तो वह काम करने लग जाएगा। इसरो के वैज्ञानिक ने बताया है कि हमारे पास वो टेक्निक है जिससे विक्रम को फिर से सीधा खड़ा कर दिया जा सकता है और हम उस पर तेजी से काम कर रहे हैं। विक्रम लैंडर के इंजन की तरफ 5 थ्रस्टर लगे हुए हैं जिनकी वजह से विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा था। इन थ्रस्टर के अलावा विक्रम के चारों तरफ भी थ्रस्टर लगे हुए हैं। इन थ्रस्टर की वजह से विक्रम लैंडर चांद पर कभी भी अपनी दिशा बदल सकता था। यह थ्रस्टर अभी भी सुरक्षित है। अभी लैंडर जिस हिस्से की तरफ नीचे पड़ा हुआ है उस हिस्से के तरफ भी थ्रस्टर लगे हुए हैं। अगर इन थ्रस्टर को चालू कर दिया जाए तो विक्रम लैंडर को आसानी से खड़ा कर दिया जा सकता है और ऐसा करने के लिए इसमें पर्याप्त ईंधन भी बचा हुआ है। एक बार अगर किसी भी तरह विक्रम से संपर्क स्थापित हो गया तो ऑर्बिटर के जरिए थ्रस्टर चालू कर सकते हैं और इसे सीधा खड़ा कर दिया जा सकता है। इसरो ने मात्र 35 घंटों के अंदर ही विक्रम लैंडर को खोज निकाला जो आज तक कोई भी देश नहीं कर पाया। इसरो के वैज्ञानिकों के पास लैंडर विक्रम से संपर्क साधने के लिए सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं। यह मिशन 14 दिन का था क्योंकि प्रज्ञान रोबो में सोलर पैनल लगे हुए हैं और यह सूर्य से प्रकाश लेकर अपना मिशन पूरा करेगा क्योंकि चंद्रमा पर एक लूनर डे में 14 दिन होते हैं और इसके बाद चंद्रमा के उस हिस्से पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाएंगी जहां विक्रम लैंडर मौजूद है। और इसी प्रकार इसरो के वैज्ञानिकों के पास कई समस्या है, लेकिन हमें भरोसा है कि इसरो के वैज्ञानिक इस मिशन को बहुत जल्द पूरा कर लेंगे क्योंकि इसरो में वह क्षमता है। क्योंकि इसरो वह पहली स्पेस एजेंसी है जिसने चंद्रयान 1 भेजकर चांद में पानी की खोज की थी। अमेरिका और रूस ने वहाँ पर 50 मिशन भेजे और वहाँ पर इंसानों को भी उतारा, लेकिन चंद्रमा पर वह कोई भी खोज नहीं कर पाए। चीन के वैज्ञानिकों ने भी इसरो की तारीफ करते हुए कहा है कि उम्मीदें ना तोड़े, प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इस प्रकार के मिशन से सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फायदा होता है, लेकिन पाकिस्तान एक इकलौता देश है जिसने इसरो का मजाक उड़ाया है। सबको पता है इसरो क्या है, लेकिन पाकिस्तान को कौन समझाएगा। जिन्होंने खुद की एक स्पेस एजेंसी नहीं खोल पाए, आज तक के खुद का एक सैटेलाइट नहीं भेज पाए, वही पाकिस्तान आज इसरो का मजाक उड़ा के खुद की बेइज्जती कर रहा है।